अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का। साहिवाल बरकत टाउन के रिहायशी मजदूर दुकानदार पर चंद मुसल्ला अफराद का हमला, मजदूर शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। वाकये को 15 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज न की। मजीद इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ यहाँ पर एक और मोहल्लेदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उस दिन क्या वाकया यहाँ पर पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जान बताइएगा कि उस दिन यहाँ पर क्या वाकया पेश आया था। बच्चा आया ना, बच्चे ने चढ़ गया, तू जा यार तू चले जा, तू शरारता ना कर। उन्होंने बच्चे ने कहा चल, वे आए थे उन्होंने बात लड़ पाए। तो आप लोगों ने यहाँ पे छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बाद में पुलिस आई, पुलिस को कॉल नहीं की? पुलिस तो कौन आई, बाद छुड़ाया वो 10-12 जने से। तो यहाँ पर इतनी मेरे ख्याल में काफी आबादी है, छुड़ाना तो चाहिए था ना कि वो तो बंदा कौन सी, मैं ऐसी देख के बंदा सी बस। हवाले से उनके अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर उस दिन क्या वाकया पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद है। अच्छा भाई जन, यहाँ 5 या 6 मुहर्रम को एक वाकया पेश आया था, उस हवाले से मुझे बताएं कि यहाँ क्या वजूहत बनी थी। यहाँ पे वजूहत बनी थी कि यहाँ पे गेमें खेलने के लिए बच्चे आए होंगे, तो यहाँ पे वो उन्होंने कोई ऐसी बसें होंगी तो जिस वजह से झगड़ा हो गया, तो वो बच्चे थे जिनसे लड़ाई हुई थी, तो वो घर में गए चले, घर में जाकर उन्होंने बताया तो वो आए, तो आन को उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की और लड़के को बाहर निकाल कर उन्होंने मारना शुरू कर दिया और काफ़ी उसको मारा और ये ज्यादती है उनकी। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इंसाफ का किससे तकाजा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जिन क्या वाकया उस दिन पेश आया था? वाकया जी मैं मौजूद नहीं था दुकान पे, तो साइड पे खड़ा था, तो बच्चे को जब मार मूर गए तो मेरे को इत्तला मिली, मैं आया तो उसका खून बहुत बहा हुआ था, सर खुला हुआ था, तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, तो पहले प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो हमने उसको रोजगार के लिए ये दुकान बना के दी थी, अपने रोजी कमाएगा, तो उन्होंने आके ज्यादती की, जुल्म किया, वो 7-8 जने थे। मैं जब आया हूँ तो वो चले गए, फिर दूर से मैंने बुलाया उनको भी, अब आओ इधर, वो अकेला था, तो इतने आदमी हो, वो चले गए मार पीट के, खोल सिर खोल के उसका, मैंने उठाया हाथ पता ले गया जी, उधर बस ये मैं पढ़ा आदमी था, जैसे उन्होंने बोला भी आ जाओ कल आओ, इतने दिन गुजर गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए DPO साहब से, जिधर भी इंसाफ मिले, मेरे बच्चे का खर्चा भी बहुत हो गया, तो खून भी बहुत बहा, उस खून का कोई हिसाब चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।